वेलकम टू द मैथमेटिकल पाठशाला। दोस्तों लास्ट टाइम हमने रीमान इंटीग्रेशन में उसके जितने भी पॉसिबल हाइपोथेसिस थी वो देखी थी और कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन की, किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को देखेंगे। चलिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ एक एग्जाम्पल से। एक एफ एक्स फंक्शन डिफाइन करते हैं, विच इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द UPF एंड LPF ओवर द पार्टीशन P इज इक्वल टू 0, 1/n, 2/n, up to n/n इज इक्वल टू 1। एक फंक्शन गिवन है विच इज एक्स स्क्वायर, देन फाइंड द UPF अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम ओवर द पार्टीशन 0, 1/n, 2/n up to n by n which is equal to 1. That means the given interval is close 0 to 1. जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा एग्जामिनर इस पार्टीशन में डिफाइन करे, ये पार्टीशन मोस्टली केसेस में आपको खुद अप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल क्लोज 0 टू 1? इट विल बी बिहेव लाइक दिस, दिस पॉइंट इज 1, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ UPF? Is equal to summation I is running from 1 to n mi delta xi. What is mi? Mi is equal to supremum of fx over the sub interval ii. इसको बेटर है कि I से R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर एंड एम आर इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ओवर द सब इंटरवल आई आर। ये चीज़ क्लियर है? इन पार्टीशन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, तो आई आर का मतलब आपको क्लियर होगा। आई आर इज द एक्स आर माइनस एक्स आर से एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आई आर। तो हर इंटरवल पे जो फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू मिल रही है दैट इज कॉल्ड द एम आर। तो एम आर इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स ओवर द इंटरवल आई आर। अगर ये फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है तो ये सुप्रीमम किस पॉइंट पे देगा? फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट दिस इंटरवल, तो इस इंटरवल के बीच में इसकी जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमेशा एंड पॉइंट पर अटेंड होगी। सो दिस इज द एंड पॉइंट, जो लास्ट का पॉइंट होगा उस पर हमेशा अटेंड होगी। तो सुप्रीमम ऑफ एफएक्स कितना हो जाएगा? दिस इज सिंपली एक्स आर, दिस इज सिंपली एक्स आर और फंक्शन की उस पर सॉरी दिस विल बी एफ ऑफ एक्स आर। ये हमेशा लास्ट पॉइंट पर अटेंड होगी और एफ ऑफ एक्स आर पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? एक्स आर स्क्वायर। और आपके अकॉर्डिंग जो पार्टीशन गिवन है, पार्टीशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स आर? मीनिंग ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू आर बाय एन का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज दिस पॉइंट इज एक्स नॉट, दिस पॉइंट इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू एंड दिस इज एक्स एन। सो एक्स आर विल बी इक्वल टू आर बाय एन। सो हियर वी आर टेकिंग एक्स आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर बाय एन का होल स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा एक्स आर? डेल्टा एक्स आर इज इक्वल टू डिफरेंस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। सो दिस विल बी इक्वल टू आर बाय एन माइनस आर माइनस वन बाय एन। सो दिस विल बी इक्वल टू वन बाय एन। सो नाउ वी कैन फाइंड इजिली यू पी एफ। सो वट इज यू पी एफ? यू पी एफ इज इक्वल टू R by R is running from 1 to n. What is the value of MR? This is R by n, that ka whole square, that is R square n square into 1 by n, which is equal to 1 by n cube is common. And R is running from 1 to n. So you will get summation R square. And R is running from 1 to n. So this will be equal to 1 by n cube. And what is the value of summation R square? Where R is running from 1 to n, that is n into n plus 1, 2n plus 1 divided by 6. So this is the value of this sum. So upper Riemann sum must be equal to this. अगर अगर आपको upper Riemann integral चाहिए तो आप इस पर अगर limit लगा देंगे as n tends to infinity पर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक partition की sequence है, तो अगर आप यहाँ पर limit as n tends to infinity पर इसका nature देखेंगे, so I am finding the upper Riemann integral which is
एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन विच इज सेम एज 0 to 1 एंड एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डी एक्स विच इज सेम एज, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट 1/3 विच इज इक्वल टू लिमिट एज एन टेंस टू इंफिनिटी एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स. लास्ट टाइम एक डेफिनेशन पढ़ी थी, एफ इज रीमान इफ अपर रीमान इंटीग्रल इज सेम एज लोअर रीमान इंटीग्रल. सो वी आर, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ अपर रीमान इंटीग्रल इज 1/3. नाउ लेट अस फाइंड द लोअर रीमान सम देन फर्दर लोअर रीमान इंटीग्रल. इट इज एन इजी टास्क टू डू. What is the value of lower Riemann integral over the partition P? So this will be small mr. What is the value of mr? Infimum of fx over the subinterval IR. So this will be equal to, अगर आप इस function की किसी एक particular interval पर infimum value देखोगे तो आपको initial point पे इसकी infimum value मिलेगी. So it will be, तो जो initial point होगा वो कितना हो जाएगा, f of x आर माइनस वन, क्योंकि इस इंटरवल का मीनिंग कितना है, आई आर माइनस वन टू एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर. तो इस पॉइंट पर हमेशा मिनिमम अटेंड होगा, और मिनिमम अटेंड होगा तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एक्स आर माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स आर मस्ट बी सेम. So this will be equal to 1 by n as above we have calculated. So what is the value of UPF? UPF is equal to summation r is running from 1 to n and this is equal to mr which is r minus 1 ka whole square by n square into 1 by n which is equal to 1 by n cube summation r minus 1 का होल स्क्वायर r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n. सो वी विल गेट 1 बाय n क्यूब इनटू समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2r, और इन सब पे समेशन अप्लाई कर सकते हैं. सो यू विल गेट 1 बाय n क्यूब समेशन आर स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स एंड दिस विल बिहेव लाइक समेशन वन वेयर आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन. सो दिस विल गिव यू द एग्जैक्टली एन एंड दिस इज माइनस टू टाइम एन इंटू एन प्लस वन बाय टू. सो दिस इज द अपर रीमान सम. What is the upper Riemann integral? Sorry, this is the lower Riemann sum. And what is the lower Riemann integral? So, 0 to 1 fx dx is equal to 0 to 1 fx is x square dx which is equal to 1 by 3 and which should be same as limit as n tends to infinity UPF, LPF. अगर आप इसमें लिमिट लगाओगे तो आप देख सकते हो दिस टर्म विल गो टू 1 बाय 3, दिस गो टू 0 एंड दिस गो टू 0. इसको सॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज 1 बाय 3. सो हियर वी आर हैविंग द अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल आर सेम, हेंस दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेबल. तो दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल. अभी आपको इसको रीमान बताने के लिए इस पूरे मेथड को अप्लाई करना पड़ता है, बट आपको मैं आगे जाके कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा कि आप फंक्शन को देखते ही डायरेक्ट बता सकते हो कि फंक्शन रीमान होगा या नहीं होगा. चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा जहां पे किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन पे अगर यूपीएफ और एलपीएफ पूछा है तो वो आप कर सकते हैं, उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. एक फंक्शन डिफाइन करते हैं से एक्स एक्स स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0 टू 1 एंड व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 टू 1 देन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर.
फाइंड द अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम. जब भी वो आपसे अपर रिमान सम एंड लोअर रिमान सम पूछेगा तो किसी एक जो जो पार्टीशन होगा उसके रिस्पेक्ट में पूछेगा. अगर कोई पार्टीशन गिवन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो पार्टीशन पिक कर सकते हैं. पिक कर लेते हैं जो हमने अभी ऊपर ऊपर देखा है. सो लेट पार्टीशन इज 0, 1/n, 2/n, up to n/n विच इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द पार्टीशन ऑफ 0 to 1. वट इज MR is supremum of the fx over the sub interval IR. अगर आप इसके ग्राफ देखेंगे and we have to plot the graph on the closed interval 0 to 1. So this point is 0, this point say 1. So this is the graph of x. And what is the graph of x square? So this is x square and this is x. तो अगर आपको किसी सब इंटरवल पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू किस पे अटेंड करेगा? एक्स वाले ग्राफ पर, क्योंकि एक्स ग्राफ हमेशा इससे ऊपर लाई कर रहा है. सो इसका जो मैक्सिमम होगा वो हमेशा एक्स वाले ग्राफ पे लाई करेगा. और किस पॉइंट पे लाई करेगा? जो इसका एंड पॉइंट होगा. आप देख सकते हैं, आप कोई भी सब इंटरवल पिक कीजिए, उस पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे तो आपको कभी नहीं मिलेगी. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पे कभी आपको मैक्सिमा नहीं मिलेगा. सो यू विल गेट मैक्सिमा ऑन द एक्स एंड द मैक्सिमा विल बी अटेंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल. सो दिस विल बी इक्वल टू XR, where IR represent XR minus 1 to XR. So this is XR, and what is the meaning of XR? According to our partition, this is equal to R by N. And what is the meaning of small MR? Small MR is infimum of FX over the interval IR. So you will get minima. अगर आपको मिनिमा चाहिए तो आपको मिनिमा हमेशा x स्क्वायर में मिलेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 टू 1 में जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो हमेशा बिलो द ग्राफ ऑफ एक्स है. तो आपको हमेशा मिनिमा एक्स स्क्वायर पे मिलेगा. और किस पॉइंट पे मिलेगा? जो आपका इनिशियल पॉइंट होगा. अगर आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे देखेंगे तो मिनिमा आपको हमेशा इस पॉइंट पे मिलेगा. सो यू विल गेट मिनिमा एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ द इंटरवल एंड यू विल गेट द मिनिमा ऑन द फंक्शन एक्स स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर माइनस 1 बाय एन होल स्क्वायर. Now you can calculate easily upper Riemann sum and lower Riemann sum. And clearly delta XR must be same as the above case. So this will be equal to 1 by N. So what is the value of UPF? UPF is equal to summation. R is running from 1 to N. Capital MR delta XR. What is the value of capital MR? Capital MR is R by N. So this is equal to summation is running from 1 to n r by n. What is the value of delta xr? Delta xr is 1 by n. That is this 1 by n. So this is equal to 1 by n square and summation r is running from 1 to n into r is r. So summation r ki value r into r plus 1 by 2, but ye n tak run kara, so this is n into n plus 1 by 2. This is n into n plus 1 by 2. So this will the upper Riemann sum. What is lower Riemann sum? This is equal to summation r is running from 1 to n small mr delta xr. Summation r is running from 1 to n. What is the value of small mr? Small mr is r minus 1 by n ka whole square. That means r minus 1 ka whole square by n square into delta xr. Delta xr is 1 by n. So isko aap log solve kar sakte ho. Agar mujhe yahi pe Riemann integral find karna hai, that means upper Riemann integral and lower Riemann integral, to yahan to main इनके अपर रिमान सम में n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं एंड लोअर रिमान सम में एज n टेंस टू इन्फिनिटी लगाऊं, या मैं डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन काउंट करता हूं तो भी मैं कर सकता हूं. तो आइए डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं. आप इसको नोट कर लीजिए, देन देखते हैं कि फंक्शन रिमान बनेगा या नहीं बनेगा. अपर रिमान इंटीग्रल फाइंड करते हैं, दैट इज fx dx. अपर रिमान इंटीग्रल में आपको हमेशा जो फंक्शन का मैक्सिमा लेके चलना है, तो फंक्शन का मैक्सिमा हमेशा x पे अटेंड होगा ऑन द क्लोज इंटरवल 0 टू 1. सो दिस विल इक्वल टू 0 टू 1 x dx. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड दिस इज सेम एज लिमिट एज
n tends to infinity UPNF, and lower Riemann integral, that is integral 0 to 1 fx dx. जब आप लोअर रीमान इंटीग्रल निकालेंगे तो आपको फंक्शन मिनिमा लेना पड़ेगा और फंक्शन मिनिमा हमेशा एक्स स्क्वायर पर अटेंड करेगा. तो दिस इज 0 टू 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स. दिस वैल्यू इज 1/3 विच इज सेम एज लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी एल पी एन एफ. तो हेयर अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल आर नॉट सेम. दिस इंप्लाइज दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल. This function is not Riemann integrable. तो ये समझ में आ रहा है आपको कि Riemann integrability check कैसे करी जा रही है by the definition. तो ये जो method है this is by the definition. एक example लिखते हैं. एक और हो सकता है कि ये example आपको direct exam में मिल जाए, तो बहुत ध्यान से समझिएगा. एक फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज डिफाइंड एज 0 1/q. 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 और x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 टू 1. तो अगर x 0 है या फिर q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 1 का मेंबर है, सो द फंक्शन इज 0 फंक्शन. एंड 1/q व्हेन x इज इक्वल टू p/q बिलोंग्स टू q इंटरसेक्शन 0 टू 1 एंड x इज नॉन जीरो. अगर x 0 है तो आपको ये फंक्शन कंसीडर करना है. तो इस फंक्शन के बारे में क्या बोल सकते हैं, वेदर दिस फंक्शन इज रीमान और नॉट. पहले इस फंक्शन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं. दिस फंक्शन इज एन स्पेशल फंक्शन. दिस फंक्शन पॉपकॉर्न फंक्शन. दिस इज पॉपकॉर्न फंक्शन. This f is continuous at irrationals and discontinuous at rationals. तो this function is continuous at irrational और इस पे जो जीरो पर फंक्शन का वैल्यू है वो जीरो गिवन है, तो ये जीरो पर भी. This function is continuous at irrational and zero. एंड डिसकंटिन्यूस एट रैशनल्स. तो ये सारे रैशनल पे डिसकंटिन्यूस है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो. आप इस फंक्शन को स्टडी करके आए हो कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिएबिलिटी में. तो इसकी रीमान इंटीग्रेबिलिटी को मैं रिलेट करूंगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी से. तो इसको पढ़ने के लिए पहले कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देन इस पे आएंगे. Let f is a function defined from closed AB to R and f is bounded. तो ये दोनों hypothesis assume करके चल रहे हैं इसके respect में. First note, if f is monotone, this implies this f is Riemann integrable. और f रीमान इंटीग्रेबल है तो इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है. दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस स्मॉल f इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड ab. तो अगर कोई भी फंक्शन आपके पास मोनोटोन है तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी द रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन. आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, सिर्फ आपको डेफिनेशन का यूज करना है और डेफिनेशन के बाद उसमें मोनोटोनिसिटी का यूज करना है. अब डेफिनेशन अज्यूम करना, UPF माइनस LPF is less than epsilon whenever the norm of partition is less than delta for some delta positive. तो आपको यहाँ पे delta की existence find करनी होती. For every epsilon positive, there exists some delta positive which satisfies this condition. तो आप ये लेना, UPF की value लिखना, LPF की value लिखना और उसके बाद use करना इस monotonicity का. उस monotonicity का use करके आपको इस delta की existence के बारे में पता चल जाएगा. और डेल्टा जो कुछ एग्जिस्ट करेगा, मैं आपको हिंट देता हूं कि कुछ ना कुछ इस टाइप का एग्जिस्ट करेगा. प्लस सम टी वेयर टी इज पॉजिटिव क्वांटिटी. तो अगर आपने फंक्शन को
इंक्रीजिंग अज्यूम करा है, पहले आपको यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा दिस फंक्शन इज मोनोटोन इंक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो डेल्टा की एग्जिस्टेंस कुछ ऐसी होगी, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जो डेल्टा की एग्जिस्टेंस होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, वेयर टी इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी इन बोथ द केसेस। तो आप टी को यहाँ पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो जब आप उसको प्रूफ करेंगे तो आपको डायरेक्टली डेल्टा की एग्जिस्टेंस मालूम चल जाएगी। इजी मेथड है, कर सकते हो, बट एग्जाम में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता। अगर आप थ्योरेटिकल इंटरव्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको मिल सकता है, बट अदरवाइज किसी और एग्जाम में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि प्रूफ करो अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है तो एफ रीमान हो जाएगा। बट अगर आ भी जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन। सेकंड केस, एक एस डिफाइन करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए बी सच दैट ऑन विच एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। एक सेट डिफाइन करा गया है, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड ए बी वेयर एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस। दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको बाकी की कोई और स्टेटमेंट पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है रीमान के केस में। अगर आपको रीमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड ए बी इफ एंड ओनली इफ एम ऑफ एस, दैट मीन्स मेजर ऑफ एस इज जीरो। तो मेजर थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है। आप में से जो लोग एमएससी में पढ़ चुके हैं मेजर थ्योरी, फर्स्ट सेम में या सेकंड सेम में आपको मिल जाएगी एमएससी में, तो अगर आपने मेजर थ्योरी पढ़ी है तो आपको यहां मेजर का मीनिंग क्लियर होगा। जब अगर आप किसी इंटरवल में बात करते हो तो मेजर का मतलब होता है उसकी लेंथ से, कि उसकी लेंथ कितनी है। तो जिन्होंने एमएससी में मेजर थ्योरी पढ़ी है उनको यह स्टेटमेंट भी याद होगा कि अगर कोई काउंटेबल सेट है तो काउंटेबल सेट की मेजर हमेशा जीरो होती है, काउंटेबल सेट की मेजर इज ऑलवेज जीरो। तो एफ इज रीमान ऑन क्लोज्ड ए बी इफ एंड ओनली इफ मेजर ऑफ द सेट एस, यानी कि जो ये कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए बी वेयर एफ इज डिसकंटिन्यूअस, अगर इन सारे अल्फा का कलेक्शन आप ले रहे हो और उसके बाद उसकी मेजर फाइंड कर रहे हो और अगर वो मेजर जीरो आ रही है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसी का सेकेंड सब केस कह सकते हैं, एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ हैज एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटीज। एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड और क्लोज्ड ए बी इफ एंड ओनली इफ एफ हैज एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी। अगर एफ के पास एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी है तो एफ हमेशा रीमान हो जाएगा। तो दिस इज इफ एंड ओनली इफ केस एंड दिस इज इफ एंड ओनली इफ केस। अगर मेजर से रिलेट है तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, अगर कंटिन्यूटी से रिलेट है तो आप इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, दोनों ही इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो अगर कोई सेट काउंटेबल है तो उसकी मेजर हमेशा जीरो हो जाएगी, और मेजर जीरो हुई तो उस पर हमेशा वो फंक्शन रीमान हो जाएगा। अगर ये सेट एस काउंटेबल हुआ, इस एस का काउंटेबल होने का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है, एफ एस एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स दिस सेट एस इज काउंटेबल। तो अगर एस काउंटेबल हुआ उसकी मेजर हमेशा जीरो हो जाएगी। सिमिलर वे में अगर आप किसी कोई फंक्शन फाइनाइट पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो उसकी जो मेजर होगी वो में हमेशा जीरो हो जाएगी, सिंस फाइनाइट इज ऑल्सो काउंटेबल। तो अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है तो भी वो हमेशा रीमान इंटीग्रल हो जाएगा किसी एक क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो ये है इसको मेजर थ्योरी से रिलेट करने का मतलब। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं, एफ इज मोनोटोन देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर एफ कोई फंक्शन रीमान कोई मोनोटोन है और आपको पता है कि मोनोटोन फंक्शन के पास एटमोस्ट काउंटेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो चुके हैं, अगर आपने क्वांटिटी ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन मोनोटोन है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर तो उसके पास हमेशा एटमोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। तो अगर एटमोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगी तो वो फंक्शन हमेशा रीमान हो जाएगा। तो आप इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने इसको प्रूव कर लिया तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बाय दिस स्टेटमेंट। तो एफ इज मोनोटोन देन दिस इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रेशन। थर्ड केस पढ़ते हैं, इफ एफ इज बाउंडेड, क्या ये इंप्लाई करेगा
एफ इज रीमान। क्या अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो क्या एफ रीमान हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो सिंपल सा प्रूफ, नहीं होगा तो कोई सिंपल सा काउंटर एग्जाम्पल। अभी हमने एक एग्जाम्पल डिफाइन किया था, एफ बराबर एक्स एंड एक्स स्क्वायर, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, इंटरसेक्शन 0 to 1 एंड व्हेन एक्स स्क्वायर, क्यू व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to 1। चेक करा था इसका रीमान, अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल सेम नहीं आ रहे थे, तो दिस फंक्शन इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल। बट आप देख सकते हो दिस फंक्शन इज बाउंडेड, क्योंकि आपके पास क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे है और क्लोज इंटरवल 0 to 1 पे एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों की दोनों बाउंडेड फंक्शन है। तो अगर एफ बाउंडेड है, दिस डज नॉट इंप्लाई दैट दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेशन, रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ए बी। चलिए पॉइंट नंबर फोर्थ लिखते हैं। सो पॉइंट नंबर टू एंड थर्ड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर फोर, सारी हाइपोथेसिस उसी के अंडर चल रही है, अगर एफ कोई भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन है और एफ बाउंडेड है, तो इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस, एवरी फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज एंड ए बी इंटरवल और ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, तो कॉम्पैक्ट की इमेज हमेशा कॉम्पैक्ट मिलती है। और आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूस हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज दिस एफ इज यूसी, या दैट इज को रिमूव करके आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज दिस एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा और सिंपली कॉन्टिन्यूस होगा, दिस इंप्लाइज दिस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ए बी। तो इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन दिस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल। हमने चेक करा था सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डिफाइन था और पार्टीशन लिया था 0, 1/n, 2/n अप टू n बाय एन विच इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा था कि दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। अगर आपने इसका रीमान अपर इंटीग्रल और रीमान लोअर इंटीग्रल फाइंड करा था तो आपके पास 1/3 आया था, तो दिस फंक्शन वॉज रीमान इंटीग्रेबल। आप डायरेक्टली इस स्टेटमेंट से बोल सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस होते ही वो हमेशा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो गिवन डोमेन है वो क्लोज ए बी है। तो अगर आप यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी पढ़ के आए तो आपको वो चीज़ अच्छे से पता है। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी द रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज ए बी। तो आप इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनको बोल सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल लिखा था पॉपकॉर्न फंक्शन का, दिस एफ एक्स वॉज डिफाइंड लाइक 0 व्हेन आइदर एक्स इज 0 और एक्स बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन 0 to 1 एंड 1/q व्हेन एक्स इज ऑफ द फॉर्म p/q बिलोंग्स टू क्यू इंटरसेक्शन 0 to 1। वेदर दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल और नॉट, और इफ दिस इज रीमान इंटीग्रेबल देन व्हाट इज द अपर रीमान इंटीग्रल और रो और लोअर रीमान इंटीग्रल और सिंपली व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। सिंस एक सेट एस डिफाइन कर लेते हैं, अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज 0 to 1 सच दैट एफ अल्फा इज डिसकॉन्टिन्यूस। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ ए बी ऑल पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 to 1 वेयर एफ इज डिसकंटिन्यूस एंड वी नो दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस ऑन रैशनल, सो -0, क्योंकि 0 पर ये फंक्शन 0 डिफाइन है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। इसकी प्रॉपर्टीज आपको नोन होनी चाहिए। तो जो सेट है दिस सेट इज क्यू माइनस 0, सो मेजर ऑफ दिस सेट इज 0 सिंस क्यू इज काउंटेबल। अगर आप क्यू में से एक पॉइंट और रिमूव कर दोगे तो भी काउंटेबल रहने वाला है, तो मेजर ऑफ दिस सेट इज काउंटेबल। दिस इंप्लाइज दिस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज 0 to 1। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट याद है तो इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो आपसे स्किप नहीं होना चाहिए किसी भी एग्जाम में, चाहे आप नेट के एग्जाम लगाओ, चाहे गेट के एग्जाम लगाओ, चाहे TIFR लगाओ, चाहे NBSM लगाओ, चाहे CMI लगाओ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो आपसे अटेम्प्ट होने चाहिए। आपको ये चीज समझ में आ रही है, इस सेट की मेजर 0 है क्योंकि ये सेट काउंटेबल है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो दिस फंक्शन हैज एट मोस्ट काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी, सो दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज 0 to 1। इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, सो 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स दिस विल बी सेम एज 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स, दिस टू क्वांटिटी आर सेम सिंस एफ इज रीमान इंटीग्रेबल,
तो अगर आपको एक भी नोन हो गई तो सेकेंड वाली नोन हो जाएगी। अब यहां देख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल एम आर, दैट मीन्स इन्फिमम ऑफ द फंक्शन ओवर द सब इंटरवल आई आर, इन्फिमम ऑफ एफ एक्स ओवर द सब इंटरवल आई आर। क्लियरली दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज जीरो क्वांटिटी, सो एम आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास स्मॉल एम आर जीरो आ गया तो आप इस पर लिमिट एज एंड यहां पर आप लोअर रिमान सम फाइंड कीजिए और उस पर लिमिट एज एंड टू इन्फिनिटी लगाइए, तब भी आपके पास हमेशा जीरो आ जाएगा। आप देख सकते हैं लिमिट एज एंड टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई इज रनिंग फ्रॉम आर इज रनिंग फ्रॉम वन टू एन स्मॉल एम आर डेल्टा एक्स आर, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज जीरो एंड दिस वैल्यू इज सिंपली लोअर रिमान इंटीग्रल। तो अगर लोअर रिमान इंटीग्रल जीरो हो गया एंड दिस फंक्शन इज रिमान इंटीग्रेबल तो इसका जो इंटीग्रल है वो हमेशा जीरो आ जाएगा। अगर इस टाइप के फंक्शन का आपसे इंटीग्रल पूछा गया है तो वो भी आप बता सकते हैं। तो पहले आपको उसकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी होगी तब आप बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसका अपर रिमान सम फाइंड करेंगे तो वो इतना इजी टास्क नहीं होगा फाइंड करने के लिए। आपको यहाँ पे पहले पार्टीशन डिफाइन करना पड़ेगा, देन इस फंक्शन को चूज करके आपको कैपिटल एम आर लिखना पड़ेगा, देन उसके बाद आप अपर रिमान सम फाइंड करोगे, देन उस पर लिमिट एज एंड टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, तो वो इतना इजी टास्क नहीं होगा। तो बेटर है कि आप इसकी रिमान इंटीग्रेबिलिटी चेक करो और इसके लोअर रिमान इंटीग्रल से इसके अपर रिमान इंटीग्रल को आप बता सकते हो। सो द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन ऑन क्लोज जीरो टू वन इज जीरो। चलिए आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब आपका थोड़ा सा होमवर्क है, आप ट्राई करना कि अगर कोई फंक्शन रिमान है, कोई दो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है किसी क्लोज एपी पर, तो व्हाट अबाउट द एलजेब्रा ऑफ दिस ऑफ दिस टू फंक्शन, यानी कि सम ऑफ टू रिमान इंटीग्रेबल, प्रोडक्ट ऑफ टू रिमान इंटीग्रेबल एंड डिवीजन ऑफ टू रिमान इंटीग्रेबल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रिमान इंटीग्रेबल, तो इस टाइप के फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि वो रिमान होंगे या नहीं होंगे, तो इनको सर्च करना, ट्राई करना करने के लिए। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।